आज की वीडियो में हम विधाउ सेड स्टेप्स पोएम पढ़ने वाले हैं, जो कि फिलिप सिडनी के द्वारा लिखी गई। फिलिप सिडनी बहुत जाने माने पोइट हैं एलिजाबेथन एज के, और इसी के साथ हम इनके लाइफ स्पैन की बात करते हैं। इनका लाइफ स्पैन रहा 1554 से लेकर 1586 तक। ये बहुत ज़्यादा फेमस थे अपनी एज में, ना सिर्फ पोइट बल्कि कोर्टियर और सोल्जर भी रहे हैं। इनके तीन वर्क बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिनकी वजह से फिलिप सिडनी जाने जाते हैं। पहला है आर्केडिया, सेकंड है एपोलॉजी फॉर पोइट्री, एंड थर्ड है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में 108 सोनेट हैं, और जो ये 108 सोनेट है उनमें से जो 31st नंबर का सोनेट है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है विद हाउ सैड स्टेप्स। ठीक है, इसके साथ ही आप ये बात और जान लीजिए कि जो फिलिप सिडनी हैं उनके जो अधिकतर सोनेट्स हैं वो पेट्रार्कन हैं, और ज़्यादातर इनकी थीम है जो वो एक्सप्रेस करती है लव को। ठीक है, ये हमने फिलिप सिडनी के बारे में थोड़ा सा जाना। अब हम बात करते हैं पोएम के बारे में। पोएम के बारे में आपको बता चुकी हूँ थोड़ा सा, कि एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो पोइट्री कलेक्शन है उसमें से ये 31st नंबर का सोनेट है। टोटल 108 सोनेट थे, और इसमें जो यह कविता है इसमें कवि दिखा रहा है कि वह कैसे अपने जो प्यार में है असफल हुआ है, और उसे इतना जो दुख हुआ है उसी दुख का जो है यहाँ पर वह वर्णन करता दिखाई देता है। वह चांद को देखता है, इमेजिन करता है कि कैसे जो है मतलब वह भी प्रेम से पीड़ित रहा होगा, और क्या चांद पर भी वफादार प्रेमी को मूर्ख समझा जाता होगा। ये सब हम जो हैं इस पोएम में देखेंगे। जो यह है पोएम है एक पेट्रार्कन सोनेट है। इसमें दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में 8 लाइन है और सेकंड में है 6 लाइन। ये है ऑक्टेव और ये है सेस्टेट। ठीक है, और जो राइम स्कीम है पोएम की वो आगे आप देख भी लेंगे, और मैं आपको यहाँ पर बता भी देती हूँ। ए बी बी ए बी बी ए, और जो लास्ट सेस्टेट है उसकी है सी डी एंड ई ई। ठीक है, तो अब हम पोएम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो ऑक्टेव दिया गया है उसमें 8 लाइंस हैं, और इन 8 लाइंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जो हैं अभी पढ़ने वाले हैं, ताकि इजी हो जाए समझना। तो सबसे पहले विद हाउ सैड स्टेप्स ओ मून थाउ क्लाइम्बेस्ट द स्काइज, हाउ साइलेंटली एंड विद हाउ वैन अ फेस, वॉट मे इट बी दैट इवन इन हेवनली प्लेस ट्राइज दैट बिजी आर्चर हिज शार्प एरोज ट्राइज। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताई थी कि इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए। ठीक है, ये इसकी राइम स्कीम है। इन जो लाइन्स में है वह पोइट कहता है वह चांद की तरफ देखता है, और चांद जो है आकाश में धीरे धीरे और साइलेंटली जो है वह चढ़ रहा है। वह इमेजिन करता है कि शायद चांद भी जो है उसी की तरह लव सिक है, प्रेम में पीड़ित है, क्योंकि जो चांद का चेहरा है वो भी पेल लग रहा है, पीला लग रहा है, जैसे कि एक लवर का होता है जब वह सफ़र कर रहा होता है अपने लवर में लव में। चांद का चेहरा भी प्यार में तड़पने वाले प्रेमी की तरह पीला है। उसे हैरानी होती है कि क्या चांद जैसे जो कि स्वर्ग जैसा हेवनली प्लेस जिसे कहते हैं स्वर्ग जैसा स्थान है, वहाँ पर भी जो क्यूपिड है, क्यूपिड कौन है, लव गॉड है, गॉड ऑफ लव है, कि वहाँ पर भी क्या जो क्यूपिड है अपने प्रेम बाणों से लव एरोस से जो है लोगों को प्रेमी बनाता है। तो इस प्रकार जो हम इन लाइन्स में देखते हैं कि यहाँ पर जो पोइट है वो ये कहना चाहता है कि जो ये प्रेमी पीड़ित अवस्था होती है वह कैसी होती है, लव सिक कंडीशन कैसी होती है। वह बताता है कि जो चांद है वो भी अपने उदास कदमों से धीरे धीरे खामोशी से अपने पीले चेहरे के साथ आकाश में उदय होता है, और वह इमेजिन करता है क्या ऐसा हो सकता है कि चांद जैसे हेवनली प्लेस में भी क्यूपिड जो कि प्यार के देवता हैं अपने तीखे बाण छोड़ता है और किसी को प्रेम दीवाना बनाता है। तो ये इन चार लाइन्स में यहाँ पर हमें फिलिप सिडनी बता रहे हैं। नेक्स्ट जो ऑक्टेव की 4 लाइन्स हैं वो हैं
श्योर इफ दैट लॉन्ग विद लव अक्वेंटेंड acquainted eyes can judge of love thou feelest a lover's case I read it in thy looks thy longest grace to me that feel the like they state describes तो यहाँ पर भी जो है rhyme scheme same है a b और b a ठीक है ये rhyme scheme है अब इस lines जो यहाँ पर lines दी गई हैं इनमें क्या बताया गया है कि poet है जो वह कहता है He has been in love for a long time. मतलब वो ना प्यार में बहुत लंबे टाइम तक रहा है So he is familiar. उसे पता है कि जब हम प्यार में असफल होते हैं हमारा प्यार जो है अनफुलफिल्ड रहता है तो मतलब कैसा फील होता है कैसी एगोनी होती है वो उसे सब पता है और वह किसी के फेस की तरफ भी देख कर बता सकता है कि क्या उसे किसी से प्यार है या नहीं ठीक है यहाँ पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं ही लुक्स एट द मून्स पेल फेस और यहाँ पर रिवील करते हैं कि जो मून है वो भी ज़रूर कभी ना कभी किसी के साथ प्यार में रहा होगा और उसका जो फेस है वो दिखा रहा है कि चांद का चेहरा कितना पीला पड़ा हुआ है शायद वो भी तड़प में है और यहाँ पर वह अपनी तुलना जो है चांद से कर रहा है और कहना चाह रहा है कि जो चांद है उसी की तरह प्यार में तड़प रहा है तो सेकंड स्टेंजा जो कि 5-8 लाइन है इसमें जो है यहाँ पर पोइट जो है वह कह रहा है कि अगर प्यार से लंबे समय तक परिचित आंखें सही निर्णय कर सकती है तो तुम प्यार का मामला ही हो मैं यह बात तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे पीड़ित चेहरे में देख सकता हूँ मुझे तुम्हारी हालत जो है सब कुछ उजागर कर रही है कि तुम्हें प्यार हो गया और कैसे तुम प्यार में तड़प रही हो तो यहाँ इन लाइंस में हम ये पढ़ते हैं नेक्स्ट है जो कि स्टैंजा नंबर 3 आज का है मतलब कि सेस्टेट हम पढ़ रहे हैं ठीक है सेस्टेट में कितनी लाइंस होती हैं 6 तो यहाँ पर देख लिए काउंट कर सकते हैं आप यहाँ पर जो है 6 लाइन है राइम स्कीम मैं आपको बता चुकी हूँ सी डी एंड ई ई Then even of fellowship, O moon, tell me, is constant love deemed there but want of wit? Are beauties there as proud as here they be? Do they above love to be loved? And yet, those lovers scorn whom that love doth possesses, do they call virtue their unforgetfulness? ठीक है तो यहाँ पर क्या है पोइट जो है डिस्क्राइब कर रहा है इस पोएम में जैसे कि भाई जो चांद है वो भी लव सिक है तो आगे जो सेस्टेट है उसमें ये लाइन जो लाइंस दी गई हैं उसमें पोइट जो है कवि जो है चांद से कई क्वेश्चन पूछता है वह कहता है कि वह जानना चाहता है कि क्या चांद पर भी जो लॉयल या फेथफुल लवर होते हैं उनको ऐसा ही समझा जाता है जैसा कि उन्हें धरती पर समझा जाता है जैसे यहाँ पर समझा जा रहा है कि उसकी वफादारी का कोई मतलब नहीं है उसे फिर भी जो है प्यार में तड़पना पड़ रहा है क्या चांद पर भी ऐसा है उसे हैरानी होती है कि चांद पर रहने वाली सुंदर औरतें भी धरती की औरतों की तरह ही हैं क्या वे भी धरती की जो फीमेल्स हैं स्त्रियाँ हैं वहाँ भी ऐसी ही घमंडी हैं जैसे कि यहाँ पर हैं क्या वे अपने प्रेमियों को प्यार चाहती हैं मगर जब वे अपना प्यार व्यक्त करते हैं तो वे उन्हें ठुकरा देती हैं वह जानना चाहता है कि चांद पर भी बेवफाई को अच्छा ही समझा जाता है इस प्रकार जो इन लाइंस में जो है वो कवि जो है अपने जो लव सिक है वो उस कंडीशन को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है और यहाँ पर चांद से पूछ रहा है कि क्या सच्चे प्रेमी को वहाँ पर भी मूर्ख समझा जाता है और इतनी ही घमंडी औरतें वहाँ पर भी हैं क्या जैसी धरती पर हैं और क्या वहाँ पर भी स्त्रियाँ चाहती हैं कि प्यार मिले बट जब उन्हें प्यार मिलता है तो वो जो है तिरस्कार कर देती हैं क्या वहाँ पर भी बेवफाई को एक गुण समझा जाता है तो इन 6 लाइंस में यहाँ पर पोइट ये कहता हुआ नज़र आ रहा है तो पूरी पोएम का हमें यहाँ पर मिल गया है कि मतलब एनालिसिस कर रहे हैं जबकि हमें मेन जो थीम है मेन जो बात है पोइट क्या कहना चाह रहा है वो यही कहना चाहता है कि लव सिक कंडीशन जो है उसने झेली है और अब वह किसी के फेस की तरफ देखकर बता सकता है कि क्या वो प्यार में है या नहीं है और क्या वो पूछता है चांद से क्वेश्चन क्या चांद पर भी ऐसा ही है जैसा कि यहाँ है कि औरतें प्यार चाहती हैं बट मिलने पर जो है तिरस्कार करती हैं
यही सब इस पोएम में हम पढ़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।